मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। कोशिश करके देख लिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया, फेसबुक व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, फिर भी नहीं रहा जाता उसके बिना। रोज सोचता हूँ उसे भूल जाऊंगा, पर फिर उसे मैसेज करने लगता हूँ, कॉल करने लगता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ उसके आगे, अपने प्यार की भीख मांगता हूँ उससे, पर वो रिप्लाई नहीं करती। सिगरेट पीने लगा हूँ, शराब पीनी शुरू कर दी है कि उसे भूल सकूँ, पर उसकी याद और बढ़ती जा रही है। तुम कहते हो उसे भूल जाऊँ, अरे बोलना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल। उससे इतना प्यार किया, उसे अपना सब कुछ दिया, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसकी खुशी के लिए अपना हर सपना तोड़ दिया। वो भी तो हर दिन मेरे मैसेज का इंतजार करती थी, वो भी तो जान से ज्यादा मुझे प्यार करती थी। कितने सारे हैप्पी मोमेंट रचे थे हमने साथ में, कितने सारे कस्मे वादे किए थे हमने साथ में, पर वो किसी और के लिए मुझे छोड़ गई। मेरा दिल ही नहीं, मेरे जीने की आज भी तोड़ गई, पर आज भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आज भी मैं उससे उतना ही प्यार कर रहा हूँ। रोता रहता हूँ उसकी याद में, जिंदगी जीने से इनकार करता हूँ। हाँ वो बेवफा है, पर मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। उसकी यादों से दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ, अपने आप को नहीं हंसा पा रहा हूँ, मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ, अपनी जिंदगी और सपने खत्म होने से नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ, नहीं भुला पा रहा हूँ, नहीं भुला पा रहा हूँ। अबे ओ आशिक, हो गया तेरा? तो अब सुन, नहीं भुला पा रहा है ना उसे, तो मत भुला, और यूं ही गिड़गिड़ाता रहे उसके आगे। सिगरेट शराब ही क्यों, ड्रग्स कोकीन भी लेना शुरू कर, खत्म कर दे अपनी जिंदगी, और रोज उससे प्यार की भीख मांग मांग कर ये जो थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, उसे भी खत्म कर दे, और बना ले नसीढ़ियों जैसी जिंदगी, जिससे कि वो तुझ पे हंसे और बोले, इस बेकार से आदमी को छोड़कर बिल्कुल सही किया मैंने। अरे जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है वो मुझे क्या संभालता, जो अपनी माँ और परिवार के लिए नहीं जी सकता वो मुझे क्या खुशी देता। ये सब बोलने के बाद वो अपने नए आशिक से और ज्यादा प्यार करने लगेगी, और तुझसे और ज्यादा नफरत। अरे हालत देख अपनी, तुझे खुद पर घिन आएगी, और अगर तेरे रोने गिड़गिड़ाने से वो वापस भी आ जाएगी तो क्या तू खुश रह पाएगा? अरे नहीं, कुत्तों जैसी जिंदगी हो जाएगी तेरी, पूरी दुनिया से अलग और अकेला रह जाएगा तू। पर तुझे इन सब बातों से क्या करना है, तू तो बस नशा कर और अपनी माँ को रुला और जिंदगी बर्बाद करते अपनी, ताकि लोग बोले एक शेर जैसा लड़का था जिसने अपनी मौत कुत्ते जैसी चुनी। पर सुन, आंखें बंद करो और अपने अंदर देख, अगर अभी भी तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट सांस ले रहा है, अगर अभी भी तेरे खून में एक योद्धा दौड़ रहा है, अगर अभी भी तेरे अंदर एक हीरो जिंदा है ना, तो उठ और शीशे के सामने जा, अपनी आंखों से आंखें मिलाकर वादा कर खुद से कि आज के बाद उसके आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, उससे प्यार की भीख नहीं मांगेगा, खुद पे मेहनत करेगा, अपने पैशन के पीछे दौड़ेगा। अरे उसकी औकात नहीं है तुझे छोड़ने की, तू खुद ही उसे छोड़ेगा, अपने सपनों को फिर से जिंदा करेगा, उसके सामने खड़ा होकर एक दिन उसे शर्मिंदा करेगा, जिम जाएगा, बॉडी बनाएगा, रोज मेहनत करने को अपनी हॉबी बनाएगा। और सुन, मैंने कब कहा कि उसे भूलना है, उसे बस छोड़ना है, उसे भूलना नहीं है, याद रखना है, उसका धोखा, उसका दिया हर जख्म, उसकी नफरत को अपने दिल में जिंदा रखना है। उसने तेरा इस्तेमाल किया तो उसकी याद और उसकी नफरत का इस्तेमाल कर और ये दुनिया जीत ले। और जब भी ये नफरत, ये गुस्सा कम होने लगे ना, तो उसकी प्रोफाइल पे जा, उसकी फोटो देख, फोटो पे आने वाले कमेंट पढ़, तुझे रुलाकर वो कैसे हंस रही है वो देख, और उसी गुस्से को अपना ईंधन बना, क्योंकि तूने बहुत ऊंचा उड़ना है, और इतनी ऊंचाई में उड़ने के लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत होगी। तो वादा कर खुद से, जो उसके पीछे टाइम खराब करता था अब उस टाइम में खुद को बेहतर करेगा, जो वैल्यू उसको देकर उसे सबसे जुदा बनाया था अब वही वैल्यू अपनी माँ को देकर माँ को खुदा बनाएगा। इतना कामयाब हो जा कि एक दिन वो भी बोले कि काश तू मेरे पास वापस आ जाए, अपनी पर्सनैलिटी इतनी शानदार बना कि उसे अपने बंदे के साथ घूमने में शर्म आए। तू ये सब कर सकता है क्योंकि तू लूजर नहीं है, हीरो है, और हीरो कभी प्यार की भीख मांगे? वो भी बेवफा लड़की से, ये हो नहीं सकता। अपने सपनों के ऊपर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, जीत ले दुनिया, रच दे इतिहास, बन जा ब्रांड, दिखा दे उसको उसकी औकात। मुझे पता है दोस्त, ये सब आसान नहीं होगा, पर वो हीरो ही क्या जो आसान काम करे, है ना? और सुन छोटे, उसे मैसेज टाइप मत कर, अच्छी बॉडी कैसे बनाए गूगल पे ये टाइप कर, उसकी प्रोफाइल सर्च मत कर, अच्छे ड्रेसिंग सेंस सर्च कर, उसे कैसे वापस लाऊं ये मत सोच, अपने परिवार के पास और अपने खुद के पास वापस कैसे आऊं ये सोच। इतना कामयाब हो जा कि हर जगह तेरा नाम हो, अरे इतना कामयाब हो जा कि हर जगह तेरा नाम हो और तेरी सक्सेस स्टोरी में हर पल वो बदनाम हो। वो मिसाइल बन जिसके आगे सब कुछ स्लो हो, वो घर से बाहर आए तो सामने तेरा बंगलो हो, वो तुझसे मिलना चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड उसे भगाए, कॉल करना चाहे तो तेरा मैनेजर कॉल उठाए। इतनी तरक्की कर कि तेरा ऐसा रहन सहन हो कि तेरी लाइफ स्टाइल देख के उसे गंदी वाली जलन हो। तू उसे कॉल मत कर क्योंकि बहुत जल्दी वो मुकाम आने वाला है, तू उसे कॉल मत कर क्योंकि बहुत जल्दी वो मुकाम आने वाला है, सारे न्यूज चैनल और अखबार की हेडलाइन में तेरा नाम आने वाला है।
और सुन दोस्त, इतनी सुंदर जिंदगी रच दी तूने उस बेवफा के साथ। अरे तू एक आर्टिस्ट है, किसी और के साथ उससे भी अच्छी सुंदर रचना रच सकता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए। और तू शेर है, रोया मत कर यार, रोने की बारी अब उसकी है, तू तो बस मौज ले। एंड बॉयज एंड गर्ल, तुम भी अनमोल हो और अपनी अपनी स्टोरी के हीरो हो, ये दुनिया तुमने जीतनी है। तो लड़के गलत होते हैं, लड़कियां गलत होती हैं, ऐसी फालतू की बात ना करो ना ही लिखो। सब लड़के गलत नहीं होते और सब लड़कियां गलत नहीं होते। और मैं ना लड़कों की तरफ हूँ ना लड़कियों की तरफ हूँ, मैं योद्धा की तरफ हूँ। और योद्धा ना लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। तो उठो और बाहर निकालो उस सक्सेस को जो तुम्हारे अंदर फड़फड़ा रही है, और तुम जीतोगे जरूर। मुझे भरोसा है तुम पर, एक बार कदम आगे बढ़ाओ तो सही। अगर तुम्हें भी मुझ पे भरोसा है ना, तो आओ साथ में आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। आओ कुछ बड़ा करते हैं।